गाइस तो आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ वापस। जी हाँ, मैं बात करने वाला भेड़िया मूवी, उसका बॉक्स ऑफिस में चल रहा आज डे 3 यानी संडे में इस मूवी ने कितना क्रशिंग किया है भाई, मैं बताने वाला हूँ। तो देखा जाए यार, ये मूवी कुछ खास नहीं करी अपने बॉक्स ऑफिस में, जैसे मैंने बताया अपने डे 1 डे 2 यार बिल्कुल भी मतलब ऐसे मतलब एंडा के बराबर चल रही है। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए कि ओरिजिनल मूवी होकर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बट फिर भी मैंने जितना सोचा था काफ़ी कम करके, बट उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए नज़र आ रही है। बात करूँ मैं डे 1 की, डे 1 में इसने किया था 7 करोड़ 47 लाख के आसपास क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी में इसने 7 करोड़ 37 लाख, बाकी बच्चा हुआ तेलुगु में क्वेश्चन किया था। और भाई बात करूँ डे 2 की, डे 2 में इसने किया 9 करोड़ 57 लाख, यानी सैटरडे को या थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने का चाहिए था, यानी सेकेंड डे जो क्रॉस करना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसमें से हिंदी में इसने किया लगभग 9 करोड़ 50 लाख और तेलुगु में केवल और केवल 7 लाख के आसपास ही मूवी क्लेशन कर पाई। बात करूं मैं डे 3 की यानी आज संडे की, तो संडे में मैं अभी इवनिंग की बात करूँ, इवनिंग की ऑक्युपेंसी मेरे पास आ चुकी है, अभी नाइट की ऑक्युपेंसी नहीं आई। तो इवनिंग तक बात करूँ तो इवनिंग तक अभी तक ये मूवी 7 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर चुकी है। जी हाँ, 7 करोड़ प्लस ये मूवी अभी तक यानी इवनिंग के 7 बजे तक ये मूवी यानी कलेक्शन कर चुकी है, यानी नाइट की अभी इसका शोज बाकी है। तो नाइट में ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी वो बाद में देखा जाए, लेकिन अगर इस्टीमेट के हिसाब से देखा जाए, मतलब अगर ऑक्युपेंसी सेम रहती है जो अभी भी आ रही है, तो ये मूवी लगभग देखा जाए तो केवल और केवल यानी डे 3 यानी संडे को 11 करोड़ के आसपास क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है। इससे आप 15 या 20 लाख आगे या पीछे भी लगा सकते हो। व्हाट 11 करोड़ यार काफ़ी कम है, लेकिन सेकंड डिजिट ने क्रॉस किया फाइनली। व्हाट यार, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, कम से कम मैंने सोचा था 15 करोड़ प्लस जाएगी, और डेफिनेटली यार इसको 15 करोड़ प्लस जाना भी चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केवल 11 करोड़ को टच करते हुए नज़र आ रही है संडे यानी डे 3 की। अगर मैं इसकी पूरी वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन की बात करूँ यानी ओवरसीज़ की बात करूँ, सबसे पहले मैं आज की ऑक्युपेंसी की बात करूँ, तो मान्य शो में इसके 30% ऑक्युपेंट के साथ ओपनिंग ली। आज इसने एडवांस बुकिंग लगभग 2 करोड़ 76 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग ली थी संडे यानी डे 3 की। बट यार बिल्कुल भी नहीं, आफ्टरनून शोज़ में इसकी 28% ऑक्युपेंसी रही। बात करूँ इवनिंग शोज़ की, इवनिंग शो में लगभग सेम ही रही, लगभग 29% के आसपास रही। भाई नाइट शोज़ अभी बाकी है, तो देखते हैं नाइट शो में क्या होता है। तो अगर शोज़ वाइज में सिटी वाइज की बात करूँ, सबसे ज़्यादा तो मुंबई के, इसके बाद 450 शो में ओवरऑल रही 24%। भाई नेशनल दिल्ली NCR में 480 शो में 21%। भाई पुणे में 172 शो में 26%। भाई बात करूँ मैं आगे नेक्स्ट बेंगलुरु की, तो 169 शो में 22%। भाई हैदराबाद में 158 शो में 21%। बस सही है यार, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 67 शो में 14%। भाई लखनऊ में 91 शो में लगभग 14% के आसपास इसी मतलब ओवरऑल ऑक्युपेंसी रही। अगर मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट मतलब पूरे ओवरसीज़ प्लस इंडिया यानी मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करूँ, तो फर्स्ट 2 डेज़ में इसने लगभग 27 करोड़ प्लस क्रशन कर लिया था पूरे वर्ल्ड वाइड फर्स्ट 2 डेज़ में। यानी अगर आज यानी टूडे ये मूवी लगभग अगर इंडिया में 11 करोड़ ही आसपास क्रशन कर दिया, मैंने बताया कि 10-20 लाख के पीछे हो सकता है, लेकिन 11 करोड़ के आसपास ही क्रशन करेगी, तो इस मूवी का मतलब टोटल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड में यानी ओवरसीज प्लस इंडिया में फर्स्ट 3 डेज़ में 40 करोड़ प्लस। तो देखा जाए मतलब ओवरसीज़ में इसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यानी इंडिया में इसका फर्स्ट 3 डेज़ में 28 करोड़ और 5 लाख हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 12-13 करोड़ से ओवरसीज़ में क्लशिंग कर लेगी ये मूवी फर्स्ट 3 डेज़ में। तो देखा जाए तो यार काफ़ी अच्छा है ओवरसीज़ में इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी इसको पता है आपको टोटल इसको 300+ स्क्रीन्स मिली हैं पूरे इंडिया में, तो भाई इसका बजट केवल 60 करोड़ के आसपास है। तो बाकी यही है इसकी आज की मतलब जो क्रशन करती हुई नज़र, मैंने आपको बता दिया। बाकी देखते हैं डे बाई डे कितना क्रशन कर पाती है, क्या ये मूवी देखने वाली बात होगी, अपना 200 करोड़ प्लस जाएगी या नहीं जाएगी, ये मतलब आने वाला समय बताएगा। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लो हमारा चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मिलती रहती है लेटेस्ट बॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी हो गया। तो बाय बाय।